अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 22-23 की प्रोसेस चल रही है। इस बीच रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल 5 बजे ख़त्म हो गई, लिंक क्लोज हो चुकी है और चॉइस फिलिंग की डेट जो है 31 अगस्त तक है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 25 यानी कि कल लास्ट डेट है। जिन कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवा लिए हैं वो कल अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लो, कल क्या कल तक वेरीफाई करवा लो, आज ही कोशिश करो आप जाने का। उसके साथ साथ चॉइस फिलिंग 31 अगस्त तक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप अभी आपका क्या रहने वाला है, अभी आपने क्या करने हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए हैं, चॉइस फिलिंग भी कर दी है, या जिसने अभी नहीं की है वो भी कर लेगा कुछ डेज में। तो रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद आपने नेक्स्ट क्या कर लेना है उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंच जाए, और जो भी आपने पूछना होगा आप मुझसे वहां से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस साल जो है लगभग 23,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया था, और लास्ट ईयर भी इतने ही रेंज के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर फॉर्म फिलअप किया है। बाकी एग्जैक्ट जो है वो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसमें होगा, और मेरिट लिस्ट आने के बाद ही हम कट ऑफ वगैरह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अभी आपने क्या कर लेना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी आपने क्या काम कर लेना, कल 24 और 25 आपने कुछ नहीं, 25 तक आपने कुछ भी नहीं करना, यानी कि कल तक कुछ भी नहीं करना है। जिन्होंने वेरीफाई वगैरह किए हैं उनको कुछ भी नहीं करना, जिन्होंने नहीं किया वो वेरीफाई करवा लो। तो 25 तक आपने कुछ भी नहीं करना, बस आराम से आप बैठे रहिए। तो 26 जुलाई को चाहे दिन में या किसी भी टाइम आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट क्या होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरिट लिस्ट कैसी होती है, देन उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस तरह की होगी, यहाँ पे आपका इसमें मेरिट होगा, रैंक आपकी क्या है, उसके साथ साथ कैटेगरी कौन सी आपकी, इसमें आपकी रैंक होगी, उसके साथ साथ एस सी भी यानी कि कैटेगरी रैंक होगी, जो कैटेगरी आपकी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ जिनका एस सी 160 यानी कि ये ओपन का रैंक है और ये आपको कैटेगरी का रैंक बनता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट आईडी यानी कि कैंडिडेट आईडी जो 2020 वाली हो, उसके साथ नाम आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे 12th का रोल नंबर विद प्रेफिक्स कोड होगा, और 12th के मार्क्स जो इंपॉर्टेंट है वो होंगी, स्ट्रीम होगी, और ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है, ये सब आपने चेक कर लेना है 26 अगस्त को जब ये निकल जाएगी, 26 अगस्त को। यहाँ पे आपने इस तरह से चेक कर लेना है क्या मेरा मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है। एक स्टूडेंट आईडी आपका नाम होगा, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल नंबर होता है कि रोल नंबर आपका सही है, और मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स आपको यहाँ पे जितने 12th के हैं उतने ही यहाँ पे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उसके साथ साथ स्ट्रीम आपकी यहाँ पे सही लिखी है, और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे सही लिखा है। तो जिस कैंडिडेट का ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सही होगा तो उसको कुछ नहीं करना है, इनकेस किसी कैंडिडेट का यहाँ पे जो है गलत होगा उसको क्या करना है, नेक्स्ट डे यानी कि 27, 28 और 29 को जो है आपका रीवेरिफिकेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने काम कर लेना, अपने नियरेस्ट GDC जो होगा उधर चले जाना जहां से आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए हैं। अगर आपका कुछ यहां पे गलत है तो वहां पे ऑप्शन रखा होता है रीवेरिफिकेशन के टाइम, वो आप ठीक करवा सकते हैं। देन उसके बाद 30 को फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट भी बस इसी तरह की होगी जिस तरह यह है, उसमें आपको बस मेरिट वगैरह सब कुछ होगा, जो भी यहां पे आपको दिख रहा है, जिस तरह यहां पे दिख रहा है इसी तरह उसमें भी होगा। तो नेक्स्ट आपने क्या काम कर लेना वो मैंने आपको बोला, नेक्स्ट आपने फिलहाल कुछ नहीं करना, वेट करना है 26 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसमें अपने मार्क्स वगैरह। बस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में एक बात याद रख लेना, उसमें हर कैंडिडेट का नाम होगा, जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया होगा और जितने कैंडिडेट्स ने वेरीफाई करवा लिया होगा उन सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा। तो आपने भी चेक कर लेना है अपना नाम, अपनी रैंक क्या बनती है, कैटेगरी की रैंक क्या बनती है अगर किसी कैटेगरी से है, उसके साथ साथ आपको जो है 12th के मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर सही लिखे हैं तो बस फिर कुछ नहीं करना, 30 अगस्त तक फिर वेट करना और फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसमें भी आपने यही कर लेना। उसके बाद 1 अगस्त को जो है डमी अलॉटमेंट आ जाएगी। तो फिलहाल आपने क्या काम कर लेना है, वेट कर लेना है 26 तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। फिलहाल जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ठीक। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद नेक्स्ट रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। फिलहाल आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, एंड आई होप अभी आपका समझ आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इसके बारे में। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।